अंकल डरा दिए तुम हमको, डर लग गया अंकल। तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज ट्रिप पे जाना है, चलो देखते कहाँ चलते हैं। तो आइए इस ट्रिप के तीन मुख्य पात्रों से मैं आपको मिलाता हूँ। तो इन महापुरुष का नाम है अजय और इनका नाम है रोशन और इनको तो आप जानते ही है। तो अजय, मैंने अपनी पब्लिक को ना बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जाने वाले आज। तो कहाँ पे जा रहे ये? तो रोशन इधर आ, रोशन इधर आ, रोशन पब्लिक को जरा नाम बता पूरा। मेरा नाम है रोशन अली अली अलीबाग। और एक गाड़ी, तीन लोग, तीन ब्लॉगर, ट्रिपलिंग, कितना मजा आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग आए थे स्टूडियो में कुछ सामान लेने के लिए जो कि हमको स्विमिंग पूल में वहाँ पे काम आते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स और ट्राउजर वगैरह वगैरह, वो सब लेने को आए थे। तो चलो चलते हैं यहाँ से और नीचे नाश्ता करेंगे अभी। तो गाइस हम लोग नाश्ता करने को रुके, तो ये रहा मैसूर मसाला, बोले पलाव में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट सुसाइड गाड़ी घुमाएंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट है टाइम के हिसाब से, है कि नहीं? बहुत लेट चल रहा है। अब हम रुकेंगे तो डायरेक्ट होटल पे? नहीं नहीं, उसके पहले रुकेंगे क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह सब लगता है, रोक के नहीं बैठेगा हम लोग। तो एक बार आ रहा है मसाला डोसा। नहीं नहीं, तुका तुका तुका, तो वही मसाला डोसा खा लेते। मसाला डोसा भी आ चुका है, खत्म हो गया। चलो मिलते। तो गाइस हम लोग को निकलते कुछ ही टाइम हुआ था, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ बता, पूरा ट्रैफिक लग चुका है, ये पूरा ट्रैफिक, पूरा जाम है रोड पूरा का पूरा। अभी हम लोग कलमगोली ही पहुँचे थे कि ये आले, अब तो अलीबाग तो बहुत दूर है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। सो गाइस हम लोगों ने ब्रेक लिया है, ऑफिशियल ब्रेक लिया गया फोटोशूट के लिए। भाई इतना लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं, फोटोशूट तो मांगता है ना। तो इतना अच्छा व्यू है और ये हाईवे चालू है और सारे ब्लॉगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। भाई मैंने बहुत कम की है ब्लॉगिंग, मैंने आपको मतलब कंटेंट देने का अच्छा विचार है आपको, इस बार आपको बिना बोर किए देने वाला कंटेंट, देने वाला अच्छा कंटेंट आपको। तो ये रही गाड़ी हमारी, यहाँ पे हम लोग मस्त सा फोटोशूट करेंगे। आपको फोटोज देखने हैं तो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जाओ फोटोज चेक करो, स्टोरीज चेक करो, अपडेट सारी उधर ही मिलती है। ठीक है, इतना अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा ट्रिप में। पहले प्लान था जाने का फेरी से, बट फेरी कैंसिल हो गई, तो हम लोग फिर कभी जाएंगे फेरी से। अभी चार बार अगर फेरी कैंसिल भी गई, इससे भी बहुत मज़ा आ रहा है हमको। हाँ, अगर मूड बन गया तो गाड़ी डाल देंगे फेरी में। अगर प्लानिंग हुआ है सच में, अगर ट्राई करेंगे अब दोनों काम हो जाएगा, दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही देखेंगे, चलो ठीक है। तो गाइस फाइनली मेरे को सीट मिल गई आगे की, मैंने बुकिंग कराई थी कि भाई ब्रेक लेंगे तो मैं बैठूंगा आगे। 500 रुपए से बुकिंग का, ठीक है ले लेना मेरे से 500 रुपया बुकिंग का। तो ठीक है, अभी अलीबाग तक मैं आगे बैठने वाला हूँ। अभी गाड़ी किधर नहीं रखूंगा पहले बताया, तो बहुत लेट हो गया, ऐसे 2 बज गए। हाँ, हमने काफी सारे फोटो शूट किए यार, अभी बहुत अच्छे से फोटोज आए, आपको इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा, देख लेना फटे, बहुत भारी भारी फोटो शूट आए और थंबनेल मिल गया मेरे को। चलो ठीक है, बहुत अच्छा रोड मिल गया हमें अलीबाग जाने के लिए। और इस रोड पहली बार आया तू? पहली बार ही आया हूँ ना भाई। और क्या रोड दिख रहा है ना, मैं आपको व्यू दिखा दूंगा रोड का, कैसा है, बहुत अच्छा। एक साइड बन चुका है एसीसी और एक साइड है अभी डांबर, दोनों का काम बाकी है और थोड़ा बहुत 10-20 किलोमीटर जितना बचा है। मन तो कर रहा है गाड़ी एकदम मक्खन जैसा भगाते जाए एकदम, और एक भी ब्रेकर नहीं है पहली बार। या बहुत मजा आ रहा है, गाड़ी पूरे 100 की स्पीड में चल रही है। क्या व्यू है यार, ऐसा लग रहा है ना गाड़ी छोड़ के व्यूज ही देखते रहो बस, सच में इतना अच्छा लग रहा है। एक काम करें इसको ऊपर बैठाते हैं। ट्रैवल करने का यही फायदा है कि आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है और एक्सपीरियंस करने को मिलती है। जाना तो फेरी से, बट ये एक्सपीरियंस बिल्कुल कम नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। फेरी से एक दिन जाएंगे, एक दिन नहीं बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि मेन तो फेरी से आना अलीबाग था, वरना गोवा नहीं चले जाते हम लोग। पता तेरे को सीट बेल्ट लगा, सीट बेल्ट लगा, पुलिस वाले सब खड़े हैं। तेरे को लाइसेंस नहीं है ना? है ना, दोनों के पास लाइसेंस है हमारे पास।
वैसे टोल पे इतना देखते नहीं है लाइसेंस वाइसेंस का। अरे टोल के आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तुरंत देखेंगे पकड़ेंगे झपट्टा मारेंगे। तो मैंने कांच ब्लैक हटा दिया ना, तो आज मेरा कितना वाट लगता था नहीं लेगा। अब देखो ये टमाटर बेच रहे टोल नहीं है ब्रो, अंकल डरा दिए तुम हमको, डर लग गया अंकल। अरे चीचा फ्रूट्स बेच रहे थे, हार्ड फ्रूट्स था पीछे। एक बार जो मैंने गाड़ी आगे ले ली, दोबारा मैं अपने पाप की भी नहीं सुनता कि मैं पीछे लूंगा। चलो आगे थारे हमारी इंडिया थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा टेस्ला, थोड़ा सा राइट राइट, हाँ बस थोड़ा। ओ माय गॉड रोशन अभी लगता है ऑटो को, चलता है ये महिंद्रा 700 में ही है, बट मिनी 700 बना दी भाई। टेस्ला भाई, जहाँ पे हम लोग है ना वहाँ पे किसी की कमी होने होगी नहीं, ना एंटरटेनमेंट ना मस्ती ना किसी जिसकी भी। अभी हम लोग को फिर से भूख लग गई है, फिर से मतलब क्या 2 घंटे हो गया ड्राइव करके ऑलरेडी, टाइम भी तो 3 बज गया ना, 3 कितना 3 बज गया, कितना टाइम हो गया ये देख बता दो 252 3 बज गया, ठिकाना नहीं अलीबाग जाने का अब तक। और ये मिल गया स्वीट कॉर्नर, बालाजी स्वीट कॉर्नर, और हम लोग आ चुके हैं पेन सिटी के आगे, जस्ट गए पेन सिटी। हम लोग पेन सिटी में ही अभी तक देखा जाए तो, और ये स्वीट मिल गया, यहाँ पे कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी ऑर्डर में बोल के रखा है खाने के लिए, तो मतलब पहुँच जाएंगे वहाँ तक, इतना खा लेंगे बस ठीक है। और क्या लेते हो देखते हैं, अभी तक बहुत भूख लगा है, 3 बज गया, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ डोसा खाया था वो भी आप कुछ नहीं खाया। तो गाइस हम लोगों ने समोसा खा लिया, अभी कुछ कम डिस्टेंस बचा इसलिए हल्का फुल्का खा के निकल रहे, और इसको बहुत अच्छा लगा समोसा यहाँ का, अच्छा लिया बहुत अच्छा लगा। दूसरा लिया मैं, एक ही लूँगा, एक दबा के खाएंगे फिर पहुँच जाएंगे उधर। और हमने ये लिया केक लिया, तो खाते खाते टाइम पास करते थे, पहुँच जाएंगे लगता है 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर हमारा चेंज हो गया, अभी सलमान चलाएगा, इसको भी आता है, फिर भी ड्राइवर का फर्क पड़ता है ना ड्राइविंग में, इसलिए चलो चलते। रिक्स कैसे ले रहे हैं, ऐसा कौन रिक्स लेता है, कौन सा लोग अगर आप लोग के लिए जान देगा। चल भाई पॉइंट रख वीडियो दे, तो गाइस हम ऊपर कूद जाते हैं, हम कूद के देखते हैं कैसा है आगे डर। और मेरे को एक मस्त जगह मिली है, अंडररेटेड जगह, आप देखोगे रास्ते में देखी, सोचो हम अलीबाग जा रहे हैं और हम लोग इतनी प्यारी सी लोकेशन के लिए कूद गए और लोकेशन देखने को आ चुके, बहुत प्यारी लोकेशन है, तो क्या भारी लोकेशन है, मेरे को लगता है अभी वो लोग वैसे भी अंदर आएंगे। देखो मैंने चाहा, मैंने जंप किया, मैं आ गया, और वो लोग भी देख देख के आएंगे, और रोशन आ चुका है, रोशन ने जंप कर दिया वहां से। अंकल क्या है, तालाब है ना, कौन सा गांव है ये अंकल, क्या तीन वीरा जगह अच्छा है अंकल, जगह बहुत अच्छा है। हम लोग यार अलीबाग हम लोग को प्लेस दिख गई, हम लोग रुक गए, हम लोग आए मुंबई से डोंबिवली, नजदीक नहीं, हमको 4 घंटा लगा अंकल आने में, 4 घंटे तो नहीं लगाया, हम रुकते रुकते हम लोग जा रहे हैं अलीबाग, अभी मस्त जगह घूम के आएंगे, मस्त थैंक यू। और जगह देखा तो हम लोग ने बोला थोड़ा रुक के सब देखते, सब लड़के लोग, हम सब लड़के लोग, बाकी बढ़िया अंकल, बढ़िया सब एकदम, थैंक यू। देखो ऐसे बात करने से थोड़ा अच्छा लगता है अंकल लोगों से सीखने, बातें करना, देखो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, अटैचमेंट एक जरूरी है। अलीबाग पहुंच चुके थे और पहुंच के सरप्राइज मिला है कि भाई मूसलाधार बारिश हो रही है, खतरनाक वाली हो रही है, पता नहीं हम लोग बाहर कैसे जाएंगे और बीच पे एंजॉय कैसे करेंगे। और एक और चीज बतानी है, हम लोग ने होटल लिया था बट जा नहीं रहे क्योंकि टाइम हो चुका है, 6 बज चुका है, हम लोग क्या होटल जाएंगे और क्या फ्रेश होंगे, फिर क्या बीच का व्यू एंजॉय करेंगे, फिर आता जाएगा मतलब नहीं, तो एक काम करेंगे हम लोग हो जाए कि डाय जाएंगे बीच, तो हम लोग अलीबाग बीच ही जा रहे वैसे तो, फिर वहां से होटल जाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, सोचा ऐसा है क्योंकि आते थे हम लोग को बहुत लेट हो गया, 2 घंटे का रास्ता 4 घंटा लग गया हम लोग को, पता नहीं कैसे क्यों, पता नहीं राइट मारना है कि स्ट्रेट, बारिश रुकनी चाहिए मेरा हिसाब से तो, प्लीज बारिश रुकेगी तभी हम लोग बाहर जा पाएंगे, वरना कार में रह के एंजॉय करना पड़ेगा, या फिर तो एक ऑप्शन है भीगे हम लोग, तो देखते क्या होता है, बट बारिश तो बहुत जोर से हो रही है। तो गाइस बारिश ने हमारा अच्छा स्वागत किया अलीबाग बीच पे, और हम आ चुके
और मैं क्या बोलता हूँ आपको, इसके वीडियो देखना आगे तो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, ये व्लॉग में यहीं एंड करता हूँ, तो ठीक है अगले व्लॉग अच्छा गाओ तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ये रहा अलीबाग बीच, बट इसके ऊपर फुल देखने के लिए वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आना, ठीक है बाय बाय। देखिए गाड़ी को हमारे हवलदार भाई साहब ने पकड़ लिया, पब्लिक जमा हो गई है, तो कितना फाइन लगेगा, डर भी लग रहा है।